टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस इनकम टैक्स न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि एम्प्लॉइज़ के शेयर का EPF और ESI आप ड्यू डेट के बाद जमा कराते हैं तो क्या आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर कर सकते हैं जो कि 23 अक्टूबर 2018 को डिलीवर की गई है, जिसका लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 को देखते हैं तो वहाँ पे इनकम की डेफिनेशन दी गई है कि इनकम में क्या आता है। यहाँ पे सब पॉइंट 10 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कोई कंट्रीब्यूशन लेता है प्रोविडेंट फंड का, सुपरएनुएशन फंड का या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत तो उसे एम्प्लॉयर की इनकम माना जाता है। यदि आप सेक्शन 36 को देखते हैं इनकम टैक्स है 1961 के, तो वहाँ पे डिडक्शंस अलाउ की गई हैं। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत पॉइंट नंबर 5 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से प्रोविडेंट फंड लिया है या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत अमाउंट कलेक्ट किया है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में एम्प्लॉयर डिडक्शन क्लेम कर सकता है यदि वह अमाउंट रेलेवेंट फंड में ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया जाता है। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B को देखते हैं तो यहाँ पे एक बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में, सुपरएनुएशन फंड में, ग्रेच्युटी फंड में या फिर किसी भी और फंड में जो कि एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए है, तो उस केस में डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट के बेस पर ही मिलेगी, यानी कि जब अमाउंट एक्चुअली पे कर दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे प्रोविज़न दी गई है कि यदि यह अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न को भरने की जो ड्यू डेट है उसे पहले जमा करा दिया जाता है तो उस डेट तक यह डिडक्शन जो है वो क्लेम की जा सकती है। इस केस में हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेक्शन 43B के अंतर्गत एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कवर्ड है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं आता है। इस प्रकार यदि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ESI या PF या फिर दूसरे फंड में ड्यू डेट तक नहीं पे किया जाता जो कि रिस्पेक्टिव एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं, तो आप एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन एक्सपेंसेस में से क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ड्यू डेट जो है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने तक की दी गई है। इस प्रकार सेक्शन 43B के अंतर्गत एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कवर होता है, एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कवर नहीं होता है। इस जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप अपनी ईमेल आईडी पर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हमारी पुरानी इनकम टैक्स न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।